हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल। जी हाँ भाई मेरे, आज की वीडियो में आपको मैं यही बात बताऊंगा कि किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर यही कमेंट कर रहे हो कि सर जिस तरीके से हम उस लड़की के पीछे पागल है अट्रैक्ट हुए पड़े हैं, तो सर ऐसा हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो लड़की हमारे पीछे पागल हो जाए, हमसे अट्रैक्ट हो जाए और हमारा प्यार पाने के लिए मरने लग जाए। तो भाई मेरे, आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बात बताने वाला हूँ, और स्पेशली उन लड़कों के लिए बताने वाला हूँ जो लड़की के पीछे परेशान हो चुके हैं और उनके पीछे लड़कियां पागल तो जोर भाव तक नहीं देती है। तो भाई आज इस पॉइंट को फॉलो करने के बाद लड़की आपको भाव देगी, लड़की आपके प्यार में पागल हो जाएगी, आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। जी हाँ भाई मेरे, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, कहीं से स्किप मत करिएगा। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या एडवांस में वीडियो पे एक लाइक कर सकते हो आप, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हो फ्रेंड। तो प्लीज यार ये दो महत्व काम तो जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपको पता है फ्रेंड, आजकल के जनरेशन के हिसाब से लड़कियां किडनैप के लड़कियों पर ज्यादा पागल होना चाहती है, जो फ्लॉटी माइंड रखते हो, जो डायरेक्ट वॉइस रखते हो, जो इस तरीके से बात करते हो कि सामने वाले को ना चाहते पागल बना दे अपने प्यार में। अब भाई मैंने क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन कर लिया, आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो भाई अगर आपको फ्लॉट करना नहीं आता तो भाई इसमें तो आप ही की खामी है। अगर आप चाहोगे तो मैं फ्लॉट के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, पर फ्रेंड आपको पता है लड़की ज्यादातर उन्हीं के प्यार में पागल होती है जो फ्लॉटी माइंड रखते हैं अपना, जो फ्लॉट सही तरीके से कर सकते हैं, जिनकी बातों में बिंदासपंती होती है, जो कुछ भी बोले तो बातों को सही तरीके से घुमा दे। आसान सी भाषा में कभी वो सैड बातें ना करे, जब भी बातें करे तो मस्त टाइप की बातें करे कि लड़की इंटरेस्ट ले आपकी बातें सुनने में। भाई मेरे, लड़की की लाइफ में ऑलरेडी कहीं ना कहीं से टेंशन चली रही होती है, बट अगर उस बीच आप उस लड़की को उस टेंशन को खींच के उससे बाहर निकालते हो, उसे हंसाते हो, उसे गुदगुदाते हो, उसके साथ फ्लॉट करते हो ना, तो लड़की आपकी दीवानी हो जाती है। लड़की को ऐसा लगता है कि लड़का कितना ज्यादा अच्छा है यार, ये मतलब दिन भर खुश रहता है, अगर इसको मैं अपने लाइफ में बुलाऊं तो ये मेरे को अपनी लाइफ में हमेशा खुश रखेगा फ्रेंड, और इसके चलते लड़की आपके प्यार में पागल हो सकती है, पीछे पड़ सकती है और वो आपको भाव भी देगी। पर कई लोग क्या करते हैं, उस लड़की से फ्लर्ट नहीं करते हैं, नॉर्मली अपने लिमिट में रहते हैं और ज्यादा आप कुछ कर नहीं पाते हो, इसके चलते लड़की आपके प्यार में कभी पागल नहीं होती है। दूसरी चीज, अपने लुक स्टाइल को थोड़ी से डेवलप करिए फ्रेंड। क्या आप भी यार एक ही लुक में रहते हो, आपको हमेशा एक ही लुक पसंद आता है? अरे भाई ठीक है ना, टाइम चल रहा है, स्लो चल रहा है, पर भाई अगर अपने लुक को आप डेवलप नहीं करते हो तो लड़की को बेस्ट पर्सनैलिटी नहीं दिखेगी, आपकी बेस्ट लुक नहीं दिखेगा। अगर आप ऐसे ही मिलने चले जाते हो, उससे ऐसे उसको लाइन मारने चले जाते हो, ऐसे ही उसे देखने चले जाते हो, तो रोज का तो लुक वो देख ही रही ना फ्रेंड, कभी तो डिफरेंट लुक लेके जाओ कि वो लड़की देखने के बाद एक ही बात रखे कि वाओ यार व्हाट अ बॉय, व्हाट अ गाय, वो गाय नहीं मतलब वो वाला गाय, मतलब कुछ ऐसा वर्ड उसके मुंह से निकलवाइए फ्रेंड। तो उसके लिए आप अपने लुक को सुधारिए यार। अब कुछ लोग अपने पेट थोड़े बड़े करके रखते हैं तो उसको सही कर लीजिए भाई, कुछ लोग बाल की शेडिंग रखते हैं उसको बाल को शेडिंग में रखिए भाई, कुछ लोग बियर्ड शेडिंग में रखते हैं तो बियर्ड शेडिंग में रखिए भाई, कुछ लोगों को ड्रेसिंग सेंस का हुनर नहीं है तो भाई ड्रेसिंग सेंस की हुनर थोड़ी सी डाल लीजिए भाई मेरे। लड़की इंप्रेस, लड़की अट्रैक्ट, भाई लड़कियां इन सब लड़कों के पीछे बहुत जल्दी पागल होती है जो स्टाइलिश दिखते हैं, जो बिंदास बोलते हैं, जिनकी लुक बढ़िया होती है, जिनको ड्रेसिंग सेंस का हुनर होता हो, उनके पीछे लड़कियां पागल होती है भाई, लट्टू हो जाती है। अब जो फ्रेंड तीसरा पॉइंट है, इसको फॉलो कर लीजिए, इसको फॉलो करने के बाद किसी भी लड़की को पागल कर सकते हो आप। भाई मेरे, लड़की को अपनी आदत दिलवाओ। जी हाँ, कई लोग तो यही नहीं समझ पाते कि लड़की को अपने प्यार में पागल करना है, इतना ही नहीं उसको अपने बारे पर सोचने पर मजबूर करना है, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट जरूर फॉलो करना पड़ता है कि 10 से 12 दिन उसको स्पेशल ट्रीट करिए, स्पेशल जगह दीजिए, हमेशा उसके पीछे थोड़े से लट्टू बन के रहिए, थोड़ा सा ज्यादा भाव दीजिए, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करिए कि लड़की बोले कि साथ में आसमान पे चढ़ा लिया उस लौंडे ने मुझे, मतलब पहले उसको आप सर पे चढ़ाइए, खूब अनलिमिटेड भाव दीजिए। अब अगर कुछ बंदे कहते हैं कि सर मेरे तो उससे बात ही नहीं होती तो मैं उससे कैसे ये समझाऊं, तो भाई मेरे स्टार्टिंग में आप उसको खूब लाइन दीजिए, उसको देखकर स्माइल करिए, रिस्पेक्ट से बातें करिए, वो लड़की आपके ऊपर अट्रैक्ट होगी, लड़की को अच्छा लगेगा आपसे बात करना, और अच्छी अच्छी बातें करिए, मजेदार बातें करिए, रोमांस वाली बातें करिए कि लड़की कुछ भी करके आपके पास अट्रैक्ट होकर चली आए। उस लड़की को पढ़ने का शौक है तो उसको एक से बढ़कर एक बुक ला के दीजिए, अगर उस लड़की को मोबाइल चलाने का शौक ज्यादा ही है, मतलब कुछ नए नए ऐप्स देखना, ये सब देखना, तो आप ये सब की उसको टिप देखिए, मतलब कुछ ऐसा करके उसको अपनी तरफ आकर्षित करिए, और फिर सडनली 12वें या 14वें दिन इग्नोर कर दीजिए। जी हाँ भाई, अब आप बोलोगे भाई तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, पहले तूने बोला ये सब करो और एकदम से बोला ये सब मत करो, तो भाई मेरी बात तो सुनो, तभी तो लड़की आपके सोचने के पीछे मजबूर होगी। जब आप 11वें 12वें या 13वें दिन जब ये सब करना बंद कर दोगे, उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, उसे दिखोगे नहीं, उससे बात नहीं करोगे, तो वो लड़की पागल होगी। लड़की को लगेगा कि जो बंदा मेरे पीछे इतना ज्यादा पागल था उसको क्या हो गया, अब वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, बात तो दूर मेरे मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दे रहा है, मुझे देख रहा है तो अपनी शक्ल मोड़ ले रहा है,
मुझे वो दिख नहीं रहा है। अब वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और ये फ्रेंड फैक्ट है और ये साइकोलॉजिक टिप है कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो ना चाहते उसकी तस्वीर हमारे दिल में उतर जाती है, हमें उससे प्यार हो जाता है। तो भाई मेरे, इस तरीके से भी आप लड़की को अपने प्यार में दीवाना कर सकते हो। तो भाई जब लड़की को इस तरीके सोचने पाएगी तो लड़की को लगेगा कि क्या उस लड़के ने मुझसे प्यार तो नहीं कर बैठा, इसके चलते मुझसे वो दूरी बना रहा हूँ। वैसे वो नाइस गाय है यार, वो अच्छी तरीके से बात करता है, तो अगर प्यार हो भी गया होगा तो वो अच्छी बात है। तो ये लड़की की थिंकिंग है फ्रेंड, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरी थिंकिंग कि लगता है मैंने उसके साथ कुछ बुरा कर दिया, मतलब उतने दिनों से मेरे पीछे पागल था, भाव दे रहा था पर मैं नहीं दे रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। दूसरी भावना जो उसके अंदर पैदा होगी, अब जब आप उसके सामने सडनली आओगे तो आपसे पूछना चाहेगी कि ऐसा क्या हो गया जो आप मेरे को दिख नहीं रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। तब आप समझ सकते हो कि वो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है, दीवानी हो चुकी है। और इस टिप को फॉलो करने के बाद किसी भी दुनिया की किसी भी लड़की को अपने प्यार में पागल कर सकते हो, झुका सकते हो, लत लगवा सकते हो और समझ ही गए होंगे भैया अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यार अगर वीडियो एंड तक देखने में अच्छी लगी हो ना तो प्लीज भाई मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फ्रेंड, सिंपली क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, समस्या हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहां पर मुझे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड। और अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई इस वीडियो पे एक लाइक अपनी तरफ से जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ही ज्यादा हमें अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि चलो भाई वीडियो में मेहनत की तो कुछ तो फल मिला। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर दिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे आजकल दो वीडियो आ रही है, आपकी कितनी ज्यादा हेल्प हो सकती है नो वीडियो से। तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करिए फ्रेंड।